नमस्कार, एच डेटा से मैं रोशनी दुबे। अविनाश सिंह और श्रवण गुप्ता को एनसीबी टीम ने कल ड्रग्स मामले में किया गिरफ्तार। मुंबई के कई इलाकों में भी छानबीन की है, जिसमें बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त किए गए हैं और उन दोनों से अभी भी चल रहा है पूछताछ, जिसमें आज सुबह उन दोनों को मेडिकल टेस्ट भी कराया गया। अभी उनको रिटर्न एनसीबी दफ्तर में भी लाया गया है। आज के वो कोस्टा के पेशी थी जो जिसको गोवा से पकड़ के लाए थे, आज उसकी पेशी थी और उसको जुडिशियल कस्टडी हुई है। एनसीबी दफ्तर से कोस्टा और शौभिक चक्रवर्ती के बचपन के दोस्त श्रुरिधि मल्होत्रा, जो शौभिक चक्रवर्ती के ड्रग्स पेडलर थे, आज उनको एनसीबी ऑफिसर कोर्ट में पेश करेंगे और कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा पेश करने के बाद उनको पुलिस कस्टडी से जेल कस्टडी में भेजा जाएगा। कोस्टा से क्या जानकारी मिला है अब तक? कोई अभी तक जो जानकारी मिला है उसके आधार पे हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशन चालू है हमारा। प्रिया और शौभिक को लेके कोई नया जानकारी? पूरी एक चेन है और हर कोई अपना अपना रोल निभा रहा है। सर कितने दिन तक सामने आ सकती है, सब कोई आइडिया है आपको? हमारे पास 6 महीने है कंप्लेंट फाइल करने के लिए। दिशा सालियान के केस में रश्मि देसाई से भी हो सकती है पूछताछ, क्योंकि उन्होंने 7 जून को आखिरी बार दिशा सालियान से बात की थी। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ऑफिस से बाहर निकलते हुए अपने गाड़ी में बैठ के चले गए और कोई भी जवाब नहीं दिए मीडिया वाले को। स्वरा भास्कर के निशाने पे कंगना रनावत, क्योंकि स्वरा भास्कर ने ये निशाना कंगना रनावत पे साधी, क्योंकि उन्होंने जया बच्चन को लेके की थी टिप्पणी। कंगना रनावत का खुलासा। अब कंगना रनावत ने करीना कपूर खान पे निशाना साधा और कहा कि सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत के ब्रेकअप की वजह करीना कपूर खान है और बोला कि अपने पहले पिक्चर के हीरो को कभी डेट नहीं करना चाहिए। सीबीआई के पास है सिद्धार्थ पिठानी का बड़ा खुलासा। दिशा की मौत से क्यों बेहोश हो गए सुशांत सिंह राजपूत और उन्हें किन किन लोगों से अपनी जान का डर था? रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का डिजिटल सामान भी लेकर गई, उसमें से लैपटॉप, फोन। और रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को किस बात की देती थी धमकी? रवि किशन के समर्थक में आई जयाप्रदा। जयाप्रदा जी का कहना है कि युवाओं को ड्रग्स के चंगुल से बचाना जरूरी है और इस में कोई राजनीतिक नहीं होना चाहिए। शौभिक चक्रवर्ती के स्कूल फ्रेंड जो करमजीत सिंह, वो ड्रग्स पेडलर है और ये देखिए उनका ये पूरा 1 करोड़ का गाड़ी है। करमजीत सिंह जो 23 साल की उम्र में 1 करोड़ का गाड़ी खरीद सकता है, इसीलिए ये गाड़ी को अभी तक एनसीबी दफ्तर में ही जब्त किया गया है। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में कुछ ही दिन पहले रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड के 2 सेलिब्रिटी का नाम लिया था, उसमें से सारा अली खान और रकुल प्रीत का नाम आया था। आज रकुल प्रीत ने दिल्ली के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। आगे देखते क्या क्या होता है ये ड्रग्स एंगल में। यस डेटा से मैं विशाल अम्बानी।